लेफ्ट साइड में 5 मीटर की दूरी पर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल MS साउथ इंडियन क्रेजी पर। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साउथ के ऐसे 5 साइको किलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा नंबर 1 पर और 2 पर जो मूवी है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा नंबर 5 2022 में आई डी ब्लॉक। दोस्तों इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे अरुणनीति अनाबंत कमीशन के साथ और कई सारे स्टार। तो दोस्तों इसका IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल रिव्यूज़ लाइक किया है। तो दोस्तों इसी स्टोरी लाइन की बात की जाए तो एक फॉरेस्ट में एक इंजीनियर कॉलेज को दिखाया गया है, जिसमें एक बात एक लड़कियों का बेरे में तरीके से खून हो रहा है। कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये हमारा हीरो ढूंढने की कोशिश करता है। क्या हमारा हीरो ढूंढ पाएगा? ये बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश रख पाती है। ये आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हो। तो दोस्तों नंबर 4। तो दोस्तों 2024 में आई अब्राहम अल्लाह। तो लेट्स सी व्हाट यू मेड ऑफ ऑस्लर, मतलब दो खून और। तो दोस्तों इस मूवी का लीड रोल में है जयराम सरन मामूती से। तो दोस्तों इस मूवी का IMDb की तरफ से 7.0 आउट 10 रेटिंग मिला। तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो एक साइको किलर के बाद एक डॉक्टर का खून कर रहा होता है और खून करने के बाद एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। जो हमारा पुलिस ऑफिसर होता है इस केस को हैंडल कर रहा होता है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसको हेलुसिनेशन होता है। जो नहीं है वो भी दिखता है, क्या हमारा पुलिस ऑफिसर इस साइको किलर को पकड़ पाएगा? तो दोस्तों ये यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है, आप हिंदी में जरूर देख सकते हैं। जल्दी से देख लो, नहीं तो कभी भी रिमूव हो सकती है। तो दोस्तों नंबर 3 पे है। घटना के एक दिन पहले मुजरिम बाजू वाले घर में रहने आया। 2023 पे आया न्यू मूवी। इसमें का लीड रोल में मोहनलाल, एनआर राजन। तो दोस्तों इसमें का IMDb रेटिंग है 7.8। तो दोस्तों इसमें की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो एक अंधी लड़की का रेप हो जाता है। जब उसका रेप हो रहा होता है वो रेपिस्ट का फेस छू लेता है, लेकिन बाद में उसका एक पुतला बना देता है। पुतला बनाने के बाद पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, लेकिन वो आमिर बाप का बेटा होने के बाद छूट जाता है। तो तभी एंट्री होती है एडवोकेट मोहनलाल की, वो अपने हाथ में केस लेता है। क्या वो ये केस जीत पाएगा या नहीं, आगे मूवी देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। आप डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। नंबर 2 मूवी। उन्होंने लाश को ढेर करने के लिए ये जिप्सम ग्राउंड क्यों चुना सर? 2020 पे आई अंजाम पत्रा। तो दोस्तों इस मूवी का लिटिल में कुंचा को बापा नैना मैंने जब मसारे का हिस्टर। दोस्तों इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.0। तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो एक के बाद एक शहर में पुलिस बलों का खून हो रहा होता है और लाश में से दिल और आग गायब है। ये कौन ये कर रहा है और क्यों कर रहा है, पुलिस वाला को ओपन चैलेंज कर रहा है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। तभी बुलाया जाता है क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर हुसैन को। तो क्या ये ढूंढ पाएगा कौन ये खून कर रहा है? तो आगे मूवी में देखो, बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की मूवी है, आप अमेजोन प्राइम पर जाकर देख सकते हो। नंबर 1 पे जो मूवी है विद अ वेरी एग्रेसिव बिहेवियर, शॉर्ट में कहें तो ये एक साइको है। 2018 में आई फिर रात शासन। तो दोस्तों इस मूवी का लीड रोल में है विष्णु विशाल, मलापाल और सर का स्टार। दोस्तों इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.3। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो शहर में एक साइको किलर एक के बाद एक लड़की को मर्डर कर रहा है और मर्डर करने के बाद प्लास्टिक में पैक करके लड़की को लाश छोड़ जाता है और साथ में एक गिफ्ट छोड़ जाता है जिसमें कटा हुआ पुतला का सर मिलता है। क्या ये साइको किलर आगे और कितना खून करेगा और हमारा पुलिस ऑफिसर इसको पकड़ पाएगा या नहीं, आगे मूवी में देखो। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मेरा अब तक की देखी सबसे बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल है, तो ये कभी भी रिमूव हो सकती है, देख सकते हो आप जाके यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय दोस्तों।